फाइनली हमारा सीएससी सेंटर खुल चुका है, इसको कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, और हमारे पास एक्सिस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र भी है, और इस तरह से दिखता है हमारा सीएससी सेंटर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? रॉकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे, अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज इस ब्लॉग में मैं एक नया सीएससी सेंटर खुलाऊँ, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, और हमारे पास एक्सिस बैंक का सीएसपी भी है, मतलब मिनी ब्रांच एक्सिस बैंक का। आज मैं अपना पूरा सीएससी सेंटर का टूर कराऊंगा इस ब्लॉग में, क्या क्या हम काम करते हैं और क्या क्या हमने अभी सिस्टम लगाया है और क्या लगाना बचा है हमें, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा सीएससी सेंटर, और अगल बगल का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसा कुछ है। तो हम सीएससी सेंटर के अंदर चलते हैं। हमने एक एचपी का लैपटॉप ले रखा है, ये मुझे 60-70 हज़ार का पड़ा है, और एक एलिमिनेशन मशीन है, और दूसरा एचपी का एचपी 790 का प्रिंटर ले रखा है, वो 26-27 हज़ार का पड़ा है, और नीचे हम ये चेयर भी लिया था मैंने 7-8-10 हज़ार का, और मैट लगा हुआ है, और एक साइड का हमने इन्वर्टर और बैटरी लिया है। एक साइड का बैटरी है हमारा है ये 200 AH का, और इन्वर्टर है माइक्रोटेक का, और हम जो काम करते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक्सिस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है, प्रज्ञा केंद्र भी है, सीएससी बोलते हैं जिसको, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर बोल लीजिए, सीएससी डिजिटल इंडिया का आप दिख रहे हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड में नाम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारा कुछ चेंज कर देते हैं। दूसरा पैन कार्ड नया बना देंगे, करेक्शन होगा उसमें कुछ चेंज करना होगा वो करेंगे। तीसरा आयुष्मान कार्ड जो वो बनाएंगे, और वोटर आईडी कार्ड भी बनाते हैं जिससे वोट दिया जाता है। ई श्रम कार्ड अभी नया आया था वो भी हम बना रहे हैं, और जाति प्रमाण पत्र जो SC ST OBC का बनता है वो भी हम बना रहे हैं। स्थानीय भी बनाते हैं हम, कहाँ के आप निवासी हैं, स्थानीय वही होता है। आय प्रमाण पत्र भी बना रहे हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो भी बनाते हैं हम, जो मार्केट में चल रहा है 30x6 और 40x12 वही हम बना दें जो मार्केट में दाम चल रहा है। राशन कार्ड का सारा काम करते हैं, नया राशन कार्ड बनवाना हो या फिर उसमें करेक्शन कराना हो, या राशन कार्ड में कोई भी दिक्कत हो, चाहे राशन कार्ड बंद कराना हो या और सारे काम हम इसमें कराते हैं। और आगे चलेंगे, पंजी टू खतियान भी निकाल देंगे, मोटेशन भी हो जाएगा और पंजी टू का भी कर देंगे। जमीन रसीद काट देंगे हम, जमीन का रसीद भी काट रहे हैं, जमीन रसीद काटेंगे, और रंगीन फोटो निकालेंगे हम। लिमिनेशन मशीन देखा ही है आपने, लिमिनेशन अभी बड़ा वाला नहीं आया है, लिमिनेशन छोटा सा लिमिनेशन हो सकता है अभी, और फोटोकॉपी के लिए मशीन हमने रख रखा है। HP का ही प्रिंटर है, HP 790, ये 26,000 कुछ का पड़ा है मुझे, ये अभी चालू कंडीशन में है, ये मैंने अमेजन से मंगाया था। और ऑनलाइन फॉर्म सारे भरे जाएंगे, जैसे हो गया रेलवे, जितनी भी सरकारी नौकरी है, और बताता हूँ मैं, जितनी भी सरकारी नौकरी, रेलवे और पुलिस वगैरह, जो भी फॉर्म भरा जाता है वो सारे होंगे। रिचार्ज सिम भी होगा, जैसे जियो का रिचार्ज होगा, एयरटेल का रिचार्ज होगा, सारे सिम रिचार्ज होंगे। वाहन बीमा होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी सारे होंगे। PF निकासी होगा, PF प्रोविडेंट फंड कहते हैं पूरा फुल फॉर्म, वो भी निकासी हम करेंगे। और PVC कार्ड भी बना रहे हैं हम अभी, PVC कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड, सारे कार्ड बनेंगे। और कुछ नीचे हमने मैट अभी बिछा रखा है, बहुत चीज़ अभी करना है हमारे CSC सेंटर में बचा हुआ है। और यहाँ पे एक हमने घर से लाया अभी पानी पीने का, इसमें पानी रख नहीं रखा है, लेकिन पानी इसमें भरना है हमें, ये यहाँ से लीकेज कर रहा था इसलिए इसमें पानी नहीं भर रखा, इसको धोना है, वैसे ही रखा हुआ है अभी ये फिलहाल। और इधर ये चेयर है, और लैपटॉप वगैरह ये है हमारा, कुछ इस तरह से बैठने के बाद हमारा कुछ दिखता है। और ये हमने कूलिंग ले रखा है साफ करने के लिए, अभी हमने नया ही खोला है, अभी कुछ ज़्यादा प्रोसेस हुआ नहीं है। और वहाँ पे हमारे जैसे मकान मालिक जो है उसने मीटर लगा दिया है, हमारा बिल चल रहा है अभी, और अभी ऊपर लाइट है, चलता है कि नहीं देखते हैं। देखिए, दो लाइट जल रहा है,
इधर हमने अभी लाइट डलवाया और कुछ पंखा लगाना बचा हुआ है और लाइट वगैरह भी बहुत सी और कुछ इसी तरह से है अपना छोटा मोटा दुकान। आगे हमारा ये सामने जो गाड़ी दिख रहा है पल्सर वो हमारा है, और अभी ये साफ सफाई इधर सामने हुआ नहीं है, इधर ऐसा ही लगा रहता है। और सामने टेम्पू स्टैंड है, इधर ऐसा ही कुछ दिखता है हमारे दुकान के बाहर। और अभी इसमें कमी बचा हुआ है, सामने एक बोर्ड लगाना है, अभी लगा नहीं है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।